हेलो एवरीवन। सो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो हमें देखी थे कि हाउ इज मैटर क्लासिफाइड। ओके, तो इन डिटेल आज हमें देखिबा कि मैटर जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन थला कि मैटर इज वाज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड देन सॉरी प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर एंड देन अगेन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू pure substance is divided into elements, compounds and mixtures. Again, elements are again classified into metals, non-metals and metalloids. And the mixtures are again classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, so today we will see in detail what are these things. Okay, first, how do you know the matter? What is this matter? Matter is something which has mass and occupies some space clear so matter माने कौन ना किसी भी जिनिस किसी भी आम पाखे अच्छे से जदि किसी मास थाए आउ सीए जदि किसी से स्पेस किसी जगह नहीं है तो आमे ताको कहो कि सेडा होजी गोटे मैटर किसी भी जिनिस एनीथिंग व्हिच हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर। ओके, एही मैटर हुन हमें प्रीवियस क्लास रे देखी थे कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज ए प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड इज नोन एज ए मिक्सचर। ओके, सो नाउ व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस रो यदि हमको एग्जैक्ट डेफिनेशन पचरा जीव तो आम कहीपर कि एनी सब्सटेंस व्हिच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट। ओके, एनी सब्सटेंस व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट एंड द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल प्रेजेंट इज आइदर एन एटम और ए मॉलिक्यूल। माने यदि कौन सी सब्सटेंस सी तार जदि तार कंपोजिशन पूरा समान थिबो पूरा समान थिबो एंड ताकु जदि हम भांगीबा भांगीला पोरे जदि आइदर हमहु पूरा स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमहु आइदर एटम मिलिबो बा गोटे मॉलिक्यूल मिलिबो तो हम ताकु कहबा गोटे प्योर सब्सटेंस। सो वी कैन डिफाइन दिस प्योर सब्सटेंस एज ए सब्सटेंस which has a uniform composition throughout which has a uniform composition throughout and the smallest indivisible particle present is either an atom or a molecule क्लियर। जदि कौन भी सब्सटेंस रे तार कंपोजिशन जदि यूनिफॉर्म थिबो आउ जदि सेई पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम जदि भांगीबा आ भांगी 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 जते हम छोट पार्टिकल मिलो आ सेई पार्टिकल ला अधिक भांगी हे पारिबो नि सेई पार्टिकल ला जदि हमर गोटे एटम थिबो बा गोटे मॉलिक्यूल थिबो तो हमें सही सब्सटेंस को कहो गोटे प्योर सब्सटेंस।
ओके आउ एई प्योर सब्सटेंस को हमें पूरी तरह टू टाइप्स रे डिवाइड करछु आ गोटे कोजी हमर एलिमेंट्स आउ गोटे कोजी हमर कंपाउंड्स ओके नाउ व्हाट आर दीस एलिमेंट्स एलिमेंट्स को हमें यदि कहिबा जे गोटे एमितिया प्योर सब्सटेंस जाहिरे कि गोटे सबुठू छोटो पार्टिकल जहाँ थिबो सेटा होची एटम सही वस्तु को हमें कहिबा कि सहीटा होची गोटे एलिमेंट ओके आई रिपीट कि व्हाट आर दिस एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस ओके एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस हुज इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल प्रेजेंट विल बी एन एटम ओके जदि किछि भी प्योर सब्सटेंस हम पाखे अछि आ हम ताको भांगि ले ओके तो प्योर सब्सटेंस होने तो तार कंपोजिशन यूनिफॉर्म अछि आ हम ताको भांगि ले आ भांगि 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 हमको जेते भी छोटो पार्टिकल टा मिलला आ ताको जो भांगि हि परेला ने सही छोटो पार्टिकल टा को यदि सहीटा होची गोटे एटम तो हमें कहबा कि से जो हमको सब्सटेंस टा मिलितला सहीटा होची गोटे एलिमेंट okay so we can say that elements these are the pure substance which has the smallest indivisible particle as an atom okay jadi kono se bhi pure substance hai amar jo smallest indivisible particle thibo aur sahi ra gote jadi atom thibo ame सही प्योर सब्सटेंस को कहिबा कि सेडा हो जे गोटे एलिमेंट क्लियर नेक्स्ट कंपाउंड्स नो व्हाट आर दिस कंपाउंड्स तो मु तो कहि दिलि कि एटा बे गोटे हमर प्योर सब्सटेंस ओके कंपाउंड इज आल्सो ए प्योर सब्सटेंस नाउ एटा को हमें केमिति डिफरेंशिएट करबा एलिमेंट संगे हमें तो देखिले कि एलिमेंट रे smallest indivisible particle thila amaro atom now compounds re amaro smallest indivisible particle rohibo molecule so ame koi pariba ki these are the pure substance whose smallest indivisible whose smallest indivisible particle is a molecule okay jadi what a pure substance amo pakare achi au sei pure substance ku ame jadi bhangiba au bhangi 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 ताको आमे भांगी पारिवानी गोटे मोमेंट आसीबो जोडा रे आमे सेडा को भांगी पारिवानी आ सेईटा जदी सेई मोमेंट रे जदी आमे गोटे पार्टिकल मिला जोडा रे गोटे मॉलिक्यूल थिबो तो सेईटा को आमे कहिबा कि सेई प्योर सब्सटेंस को आमे कहिबा कि सेडा होजी गोटे कंपाउंड क्लियर तो एरिया में एग्जांपल ले पर एनी कंपाउंड फॉर एग्जांपल NaCl बा H2O ओके एनीथिंग नेक्स्ट हमर जो ई एलिमेंट्स अछि बा हमें कहि परबा कि हम पकरे जो प्योर सब्सटेंस थिला दैट प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड हमें जेडा को टू टाइप्स रे डिवाइड करसिलो गोटे होची हमर एलिमेंट्स आ गोटे होची हमर कंपाउंड्स
okay. Now is your element assume this element is again divided into three types: metals, non-metals, and metalloids. From previous class, maybe okay, this elements it is divided into three types: metals, non-metals, and third is metalloids. Clear? Metals, non-metals, and metalloids. Okay, now metals में नहीं होना यार तो बहुत बड़ा property जैसे यहाँ में कोई बारी अभी metal हो जी एमिने बड़े element जी कि good conductor of electricity थी वो जी कि good conductor of heat थी वो ज़्यादा हरे electricity बहुत easily pass होती वो अब heat बहुत easily pass होती वो से बहुत hard थी वो बहुत बड़ा property जैसे metals रहो तो अब non-metals हो जी metals रहो पूरा opposite ये तो पूरा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट थी वो सॉफ्ट थी वो आ मेटलॉइड्स होजी एमिटी गोटे एलिमेंट जो टाइप की प्रॉपर्टीज तार इच्छिता मेटल्स होती वो आ किच्छिता नॉन मेटल्स होती वो सो हमें इन डिटेल्स में मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को फॉर ए डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ओके बट फॉर अ टाइम बीइंग अबे हमें जाने दो जस्ट जे एक जो हमर एलिमेंट्स अछि एटा को भी हमें तीन प्रकार रे डिवाइड करि करू गुट जो मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स क्लियर नेक्स्ट हम पकरे हम कहि दिली कि ये जो प्योर सब्सटेंस छला प्योर सब्सटेंस हमर डी भाग रे डिवाइड ला गुट जो एलिमेंट्स आ जो कंपाउंड्स और जो हम पकरे मैटर छला से मैटर हमर दुनिया को भाग हो जला गुट जो प्योर सब्सटेंस आ जो मिक्सचर ओके नाउ से देखिबा हम से मिक्सचर माने कोन What is this mixture? Okay, mixture माने हमें कोई बात कि किसी भी गोटे मैटर और किसी भी गोटे मैटर जाहिर है कि दुई तीन दुई बा दुई रु अधिक टाइप रो किसी मिसी ओके मु कहू थी कि मिक्सर 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 माने कौन व्हाट इज दिस मिक्सर Now mixture we can say like a mixture is a substance which is formed by ame koi bole ki jo mixture achi amku milibo kemiti na am pakre jati kichi two ba more than two pure substance achi two or more than two प्योर सब्सटेंस अछि आ हमें सेडा गुटे किछु गुटे अनडिफाइंड रेशियो किछु भी रेशियो रे हमें से गुडा को मिक्स कर देबो ओके जे मिक्स करला परे जो हम गुटे फाइनल प्रोडक्ट मिलिबो सेडा को हमें कहू ना सेडा हो गुटे हमर मिक्सचर ओके सो ए मिक्सचर इट इज अ सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू टू और मोर प्योर सब्सटेंस इन एन undefined ratio eta hochi mean undefined ratio okay seita ko ami bolku gote se hochi amar gote mixture okay now it is divided into two types first type hochi amar homogeneous mixture a second hochi amar heterogeneous mixture okay what about ji amaro homogeneous mixture aur what about ji amaro heterogeneous mixture now what are these homogeneous and heterogeneous mixture okay yes you may pause this video and you can write down all these things okay but let me continue more continue what do you
ना आम पाखरे एबे जो दीटा टाइप रो आमर मिक्सचर अछि जोडा को आमे गोटे होमोजेनियस मिक्सचर को आमे त को जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर सेहिटा आमे आमे जानिबा केमिति गोटे मिक्सचर आमर होमोजेनियस अछि आ गोटे मिक्सचर आमर हेटेरोजेनियस अछि ना सेहिटा आमे जानिबा गोटे स्मॉलेस्ट बा सबुट इजीएस्ट वे आमे कहि पाइबा जे जदी गोटे मिक्सचर को मिक्स ए सारि छ माने इचेटा हमर प्योर सब्सटेंस आय मिसी छी अनडिफाइंड रेशियो रे ओके आ सेटा मिक्स हला पर जानु पर प्रोडक्ट अछि ताई रे जदि तार कंपोजिशन का यूनिफॉर्म रो छी थ्रू आउट सो आमे कहिबा कि दैट मिक्सचर इज नोन एज ए होमोजेनियस मिक्सचर ओके आई रिपीट एनी मिक्सचर व्हिच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज नोन एज ए होमोजेनियस मिक्सचर अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर माने कोन ना एनी मिक्सचर व्हिच हैज ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट ओके नाउ तो हम लिख लो जे दी व्हाट इज दिस होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर ए मिक्सचर इन व्हिच The composition is uniform throughout the composition is uniform throughout is known as a homogeneous mixture. For example, sugar solution or salt solution. Okay, so sugar solution or salt solution, आमे तो कभी कभी से वड़ा 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 mixture. Okay, now ये जो sugar solution or salt solution आमे ने time तो हमें देख लो कि हमर दीरा हमर पेयर सोशल जे गोटे होची सुगर आ गोटे होची हमर वाटर ओके आ हमर ए दीरा सुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन रे हमर किछि रेशियो फिक्स होता है किछि केते अमाउंट रो हमें सुगर मिसेबा और केते अमाउंट रो पानी मिसेबा और केते अमाउंट रो हमें सॉल्ट मिसेबा और केते अमाउंट रो पानी मिसेला किछि रेशियो हमर फिक्स न होता है तो सेहि माने हमें कहिबो कि ए दीरा होची गोटे हमर मिक्सचर रो गोटे एग्जांपल तो हमें एबे कहिबा कि ए दीरा हमर होमोजेनियस मिक्सचर ना हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपण माने घर भी ट्राई करथिबे कि जदी गोटे ग्लास रे हमें पानी नहीं कि ताहिले किछि ना हमें जदी सॉल्ट पके देलु लूण पके कि सेटा को मिक्स करिलु हमें जदी कोनोसी भी पॉइंट रे से ग्लास रो तळु टिके पानी गाळलु बा ऊपर टिके पानी गाळलु मु कहार मीनिंग क्या हिला कि जदी आप पाखरे गोटे ग्लास अछि ताहिले हमर गोटे सॉल्यूशन अछि जाहिरे कि वाटर प्लस सॉल्ट अछि ओके जदी मु एई पॉइंट रु टिके काढली आ एई पॉइंट रु टिके काढली गोटे ड्रॉप मु काढली एई पॉइंट रु आ गोटे ड्रॉप काढली मु एई पॉइंट रु ओके ना मु जदी पाइली जे ए दीटा ड्रॉप भितरे किछि डिफरेंस नै माने एटा जति कि मते लुणिया लागिला ए ड्रॉप ले मते सति कि लुणिया लागिला तो मु कहबी कि एई जो मिक्सचर ता अछि वाटर और सॉल्ट रो एटा होजे गोटे हमरो होमोजेनियस मिक्सचर क्लियर आई रिपीट इफ एनी मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू मु कोनोसी भी पॉइंट रु गोटे गोटे ड्रॉप काढ़ी जदि मु चेक करली आ देखी दिजे ता हमरो मिक्सचर ओके okay.
नेक्स्ट कमिंग टू हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होची होमोजेनियस मिक्सचर रो पूरा ऑपोजिट। ठीक अछि, तो मु जदी एबे होमोजेनियस रे तो नेथि वाटर प्लस सॉल्ट, जदी मु एबे वाटर प्लस सैंड रो गोटे मिक्सचर लेइ गदी। ठीक अछि, वाटर प्लस सैंड माने बालि मिसे देली पानी गोटे ग्लास रे लेइ, तो सेहिटा है मु देखिबी जे एई जो सॉल्यूशन रे तरय गोटे सब हमरो सैंड गुडा सेटल हो जाइथिबो, आ पिछिटा छोटो छोटो सैंड पार्टिकल ऊपर भी थिबो, आ पानी तो थिबो चारी बडे। ओके ना, जदी एई मिक्सचर मु जदी पिछिटा वाटर एडू नेली, पिछिटा वाटर एडू एडू एडू। ठीक अछि, मु जदी पाँचटा डिफरेंट प्लेस पानी गुडा गुडा ड्रॉप काढि चेक करली, मते एठी जति कंपोजिशन मिलबो एडी कंपोजिशन सति मिलबो नाही, बा एडी मते सति मिलबो नाही, बा एडी मते सति मिलबो नाही, तो मु अबे कोइ परबी जे आई रे कि हमर कंपोजिशन दा यूनिफॉर्म रहोनी, माने एट डिफरेंट पॉइंट रे हमर कंपोजिशन डिफरेंट आसुची। तो सेम मिक्सचर को एमिडिया वाटर मिक्सचर को हमें को कि ए मिक्सचर होजी बोले हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दिस इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, ए मिक्सचर विद ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ओके, सच ए मिक्सचर इज नोन एज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? नेक्स्ट हमें एटा तो थिला हमर किछटा बेसिक टर्म्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन फर्दर स्टडीिंग दिस टॉपिक्स। ओके, याद करे हमें देखिबा हमर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, तापरे अछि इन द नेक्स्ट सीक्वेंस रे हमें देखिबा कि केमिति हमें किछटा मेजर करिवर टाइम रे एरर आसे, इन डिटेल हमें से देखिबा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सो गिव द हेडिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अपन माने फिजिक्स रे भी ऑलरेडी पढ़े सारते बे कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स माने कोन। ओके, यूनिट तो हमर जेनी प्रकार एन आवर सिलेबस रे अछि, गोटे होसी एमकेएस जोडा के हम एसआई को आउट सीजीएस अछि आउट एफपीएस अछि, एटा तो इन डिटेल हमर फिजिक्स रे अपन माने पढ़ते, बट केमिस्ट्री हमें इन डिटेल रे देखिबा दिस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स जोडा को हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ओके, हम को यूनिट का दरकार केतना पड़े ना, टू मेजर एनी क्वांटिटी विथ एक्यूरेसी, टू मेजर एनी क्वांटिटी विथ एन एक्यूरेसी हमको ए जिंसडा करबा पई हमको यूनिट रिक्वायरमेंट थाए। ओके, किछि भी जिंस को हमको जदी मेजर करिया रछि, ओके, तो सेहिटा को मेजर करिया पई विथ एक्यूरेसी पूरा एक्यूरेटली पूरा भलसे हमको जदी गोटी जिंस को मेजर करिया रछि, तो सेहिटा मेजरमेंट पई हमको दरकार यूनिट। तो हमरो जो एसआई सिस्टम रे फिजिक्स रे भी आपन माने पढे छिबे कि किछि दा हमरो यूनिट अछि, फॉर एग्जांपल हमर लेंथ अछि, मास अछि, टाइम अछि, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस